हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज़ में आपके लिए लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक फिर से। ऑलरेडी आपको एक वीडियो में दे चुका था, लेकिन उन क्वेश्चंस के साथ कुछ और क्वेश्चंस मैंने अब ऐड ऑन किए हैं, क्योंकि जो मेरे पास मैसेज आया है जिन बच्चों का वो राजस्थान स्टेट से हैं, तो उनकी फाइल में राजस्थान को लेकर कुछ क्वेश्चन थे, उन्हीं पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन और ऐड ऑन किए हैं। जैसे पहला तो ये पूछूँगा कि विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, क्वेश्चंस के बीच बीच में आपको कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा, तो वीडियो को फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वो टिप्स देने वाला हूं जो आपको 100% काम आएंगे। सो विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जर्मनी में जो रुडोल्फ स्टेनर्स की डेवलपमेंट थी, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था विच वी नाउ कॉल ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब दिस बिगैन विद ए लेक्चर सीरीज स्टेनर प्रेजेंटेड एट ए फार्म इन कॉबरविट्स इन 1924। अब देखो, हमने उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, वो मैं दूंगा आपको। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सपेंड RSSOCA, ये क्या होता है, राजस्थान स्टेट सीड्स एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये इसकी फुल डेफिनेशन आपसे, इसको आपको बोला जा सकता है कि इसको एक्सपेंड कीजिए, बताइए कि व्हाट डज इट मीन। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे बच्चों मैंने आपकी फाइल में देखा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इसमें टू टाइप्स आपने मेंशन की हैं, तो मैंने भी यहाँ टू की ही डेफिनेशन और इनका बताया। जैसे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है और दूसरा है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है अवॉइडिंग ऑल अननेचुरल केमिकल्स, और इन दिस प्रोसेस ऑफ फार्मिंग ऑल द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज द बोन मील एंड ब्लड मील। देखिए, आप सारा का सारा प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आता है, आप सारे के सारे जो अननेचुरल केमिकल्स हैं वो छोड़ेंगे, और साथ में क्या लेना है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, या आप कहाँ से जो नेचुरल सोर्सेज है सच एज बोन मील एंड ब्लड मील। ऐसी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट टू अचीव इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। अब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए इन्होंने ऐसा सब कुछ सिस्टम फॉलो कराया। जैसे व्हाट इज़ द राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन है, विद एन आउटले ऑफ ₹600 करोड़, एम्स टू बेनिफिट अराउंड 4 लाख फार्मर्स एंड इट एम्स टू प्रोवाइड ऑर्गेनिक सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू फार्मर्स। मतलब फार्मर्स को आप हेल्प कीजिए, बजट आपके सामने रख दिया गया है 600 करोड़ का, और मेन मोटिव क्या है कि फार्मर्स को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराइए। आप देखो, फार्मर्स को मिलेगी तो ऑफ कोर्स आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाले हैं। अब राजस्थान की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, इट्स नॉट गोइंग टू बी, आपके माइंड में नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ बताइए राजस्थान है कहाँ पे। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की, विद एन एरिया ऑफ अबाउट 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। विच आर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पोटेंशियल वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है राजस्थान की, तो इसमें आ जाएगा जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर, जलोर, पाली, सिरोही और डूंगरपुर, या फिर नागौर और झुंझुनू। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर होता है ना, वो राजा होता है कल के टाइम में, वो आपका समझिए राजा है, और आप उसकी प्रजा की तरह हैं, जैसे वो कहेगा आपको करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो पूछ लेंगे आपसे। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज, आपकी जो फाइल आपने लिखी है, आपका जो कंटेंट आपकी फाइल के अंदर है, उसको अच्छे से गो थ्रू जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो फर्स्ट जो है ना ग्लैंस में ही आपसे माइंड सेट कर लेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन इस बच्चे से पूछना है, आपके फेसिस को देख के वो पढ़ लेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव टू आस्क यू। और उस टाइम आपका जो इंटरनल टीचर है वो कुछ नहीं कहेगा, वो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, स्माइल देगा थोड़ी सी आपके रिएक्शन को देखकर कि आप पॉजिटिव रिएक्शन देते हो या नेगेटिव देते हो। नेगेटिव देते हो तो ऑफ कोर्स दे वोंट फील गुड, लेकिन अगर आप अच्छा देते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो फाइल को जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से। बाकी ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये गॉड लक या गुड लक दोनों बातें कहूँगा, हो सकता है इन क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाए, और हो सकता है आपसे बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो नो नीड टू वरी, आप अपना काम कीजिए, गॉड अपना काम करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच आर द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन राजस्थान। राजस्थान में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो वो क्या हैं, जैसे 82% ऑफ फार्मर रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको
कोई सपोर्ट नहीं मिलता ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, या 45.8% आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ को ऐसा है कुछ को ऐसा, मीन्स सम ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द सर्टिफिकेशन, वाइल 44.2% डू फेस प्रॉब्लम इन द मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. सो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ मार्केटिंग एवेन्यूज इज ए मेजर रीजन दैट वाई फार्मर्स डू नॉट गेट गुड रिटर्न ऑन देयर प्रोड्यूस. तो ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम वहाँ पे. और वट आर द फार्मिंग मेथड्स, कौन कौन से हैं फार्मिंग मेथड पे, तो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप डीप गो थ्रू कर लेना. जैसे राजस्थान के जो प्रैक्टिस हैं लिमिटेड वाटर, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वेलोरा या जूमिंग है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेलोरा क्या होता है, जूमिंग क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होती है, इरीगेटेड फार्मिंग क्या होती है, मिक्स फार्मिंग क्या होती है. मैंने आपको टाइप दे दी है सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए कि हमें करना है. एक्चुअल में अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता तो मैं इनकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देता, बट आपको कल ही वीडियो, मतलब आज ही वीडियो चाहिए. अभी थोड़ी देर पहले 1 आवर पहले आपका मैसेज मिला है, बट इवन देन आई एम ट्राइंग कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे सकूँ जैसे फिर ये पूछिए पीछे वाली वीडियो से. सो वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईफॉर्म, तो द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, जो कि 1972 में स्टार्ट हुआ था. अकॉर्डिंग टू आईफॉर्म वट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या प्रिंसिपल्स हैं बेसिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो हम कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इकोलॉजी फेयरनेस एंड केयर. ये सारे के सारे जो हैं प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के हैं, कि आपके हेल्थ को देखना है, इन्वायरमेंट को देखना है, फेयरनेस और केयर सब देखनी है. सो वट डू यू मीन बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो ये मैंने आपको बोला था इन द वेरी बिगनिंग. तो दिस इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट यूजेज इकोलॉजिकली बेस्ड पेस्ट कंट्रोल एंड बायोलॉजिकली फर्टिलाइजर्स derived largely from animal and plant waste and nitrogen fixing cover crops. कहने का मतलब क्या है कि सब natural तरीके से gain किया गया, ये method follow करना है तो आप, आपकी जो farming है that will be called as organic farming, शुद्ध बिल्कुल. Why modern organic farming was developed, किस purpose के लिए develop की गई है, तो develop की गई है as a response to the environmental harm caused by the use of chemical pesticides and synthetic fertilizers in conventional agriculture and it has numerous ecological benefits. तो दोनों चीज़ें कि पहले वाली से जो नुकसान हुआ है और दूसरा इसके जो बेनिफिट है उसको देखते हुए हमने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया है. Who developed the concept of organic agriculture 1900 में, सर एल्बर्ट हॉवर्ड, एफ एच किंग, रुडोल्फ स्टेनर, ये कुछ एक नाम आप दे सकते हैं. और वाई डू वी नीड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये मैंने बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया है वो इसी पर्पज़ के लिए दिया है कि जस्ट गो थ्रू इट. एक तो जो हर चीज़ को हम कहते हैं ना, यानी विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड कंपल्शन वुड बी नॉट ओनली टू सप्लाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट टू इंक्रीज इट फर्दर इन सस्टेनेबल मैनर. अब ये तो नहीं है कि आप सस्टेनेबल चीज़ को फॉलो ना करेंगे, आप इन्वायरमेंट को नुकसान करते जाएंगे, वो भी तो ठीक नहीं है ना. तो इसलिए जो है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत हुई है. नेक्स्ट है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है. ऐसी वट आर द 3 ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मेन्यूर एंड कम्पोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड मैकेनिकल कल्टिवेशन है. सो विच इज़ द लीडिंग स्टेट्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, तो इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश भी आती है. अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, हाईएस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया है. इसके अलावा फिर राजस्थान में है. तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कुछ एक स्टेट्स हमारी अच्छी हैं इसमें. इज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबल इन इंडिया, तो कहते हैं नो डाउट ये प्रॉस्पर अभी करेगी, कंट्रीब्यूट भी करेगी, तो 100% आने वाले टाइम में, अगर अब तक नहीं है तो आने वाले टाइम में, तो यानी 2030 तक तो इसका 100% हमें डिविडेंड मिलेगा. इसके अलावा सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड, जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है. अब स्टेट्स कुछ और भी बढ़ चुकी होंगी नो डाउट आज की डेट में. तो वट आर द प्रॉब्लम्स विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक तो कहते हैं लोअर yields related to conventional farming है, difficulty in maintaining high quality soil nutrients and gaining proper certification and market access है. कहने का मतलब क्या है, सारी चीज़ें अगर मिल जाती हैं, जैसे आपने अपनी फाइल में देखा मैंने आपके, तो वो आपको जो उसके लास्ट वाला पेज है जिसपे आपने लिखा हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा. 4 पॉइंट आपने लिखे हुए अपनी फाइल के अंदर, तो देखिए आप फाइल शेयर करते हैं, दैट्स रियली गुड. अगर आपका कोई और टॉपिक है, जैसे ये तो चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, लेकिन अगर आपका कोई BSc का 2-3 दिन बाद है, तो आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, और अकाउंट्स का है, इंग्लिश का है, या किसी और सब्जेक्ट का है आपका वाइवा, तो आप टाइम से थोड़ा सा पहले मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं अच्छी वीडियो, और भी अच्छी वीडियो तैयार कर दूंगा आपके लिए. सो आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे.